केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए बजट ने फिल्म इंडस्ट्री को भी खुश कर दिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस और पायरेसी रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ कानून में एंटी कैमकार्डिंग प्रावधान जोड़ने की घोषणाओं के बाद बॉलीवुड बेहद खुश है। इससे फिल्म जगत को बड़ा फायदा पहुंचेगा और फिल्म निर्माता भी ट्वीट कर अपनी खुशी जता रहे हैं। एक और इंडस्ट्री में जहां लाखों करोड़ों की लागत से फिल्में बनकर तैयार होती है, वहीं इंटरनेट पर इनकी नकल कॉपी भी शेयर होती है और पायरेसी के कारण निर्माताओं को बेहद नुकसान होता है। पायरेसी से 2000 करोड़ रुपये का नुकसान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को होता है। और अब केंद्र सरकार के सिंगल विंडो क्लियरेंस नीति की घोषणा के बाद देश में फिल्म टूरिज्म भी बढ़ेगा। निर्माताओं को बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रमणीय स्थानों पर फिल्म शूटिंग आसान हो जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए मधुर भंडारकर ने कहा है कि सरकार द्वारा यह लिया गया जो कदम है, इससे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी। इसी प्रकार अशोक पंडित ने भी कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना करता हूं शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और पायरेसी से लड़ने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता बताई है। यह फिल्म उद्योग के लिए बड़ा खतरा था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।